About the making of nationalism in Europe. Europe में जो है किस तरीके से जो है nationalism जो है generate हुई. Main इनका जो inspiration थे वो थी France. France was the main inspiration behind it. उन्होंने ही जो है Europe में जो है nationalism का बीज बोया था और वो धीरे धीरे करके जितनी भी दूसरी European countries हैं उनका भी ये effect हुआ कि हमें भी democratic होना है, हमें भी republic country जो है चाहिए. हमने एक मोनार्कियल सिस्टम को जो है फॉलो अप नहीं करना. अब उस टाइम पर जो है कैसे जो है नेशनलिज्म और नेशन स्टेट को मर्ज करने का आइडिया आया. दो तरीके से चीजें होती थी. एक होती थी एरिस्टोक्रेसी, दो टाइप के लोग होते थे उस टाइम पर, और एक होता था द न्यू मिडिल क्लास. एरिस्टोक्रेसी होता है एरिस्टोक्रेट, जो कि हम बोल सकते हैं रॉयल फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, जिनके पास पैसा अच्छा होता है, इकोनॉमिकली ये रिच क्लास से जो है बिलोंग करते थे. दूसरे हमारे होते हैं द न्यू मिडिल क्लास. अब जो न्यू मिडिल क्लास हैं, ये जो है इक्वालिटी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, ये चाहते थे कि कम्प्लीटली जो है जो ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर मोनार्की सिस्टम फॉलो अप होता है, जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल ग्रुप फॉलो अप होता है, उनसे जो है हमने जो है फ्री होना है. अब ये लोग जो है ट्रेड का पार्ट होते थे, जो मिडिल क्लास लोग होते थे. अब ट्रेड में जो है ये धीरे धीरे जो है फ्लरिश करने लगे, बढ़ने लगे, इनका व्यापार जो है बढ़ने लगा, जिसके कारण जो है इन मिडिल क्लास लोगों के पास भी जो है पैसा आना शुरू हो गया. अब इन लोगों के पास जब पैसा आया तो ये कहीं ना कहीं ये इस तरीके से इतने कैपेबल हो गए थे कि अब जो है ये एरिस्टोक्रेट्स जो है उनसे जो है पंगा ले सके, या फिर उनके बराबर जो है एक तरह से अपनी आवाज उठा सके. जो ये लोग अपनी जोर जबरदस्ती एरिस्टोक्रेट्स रिच क्लास लोग जो है चलाते थे, उनके पैरेलल अब आवाज उठाने के लिए कौन से लोग इमर्ज होके आ गए थे, न्यू मिडिल क्लास. और वन मोर थिंग, एरिस्टोक्रेट्स उस टाइम पे क्या करते थे, आपको पता है कि एक किंगडम्स हुआ करती थी. एक किंगडम जो है जो भी दूसरी कंट्री की जो रिच किंगडम होती थी वहां पर जो है मैरिज के जो है प्रपोजल भेजते थे, सोसाइटल रिलेशंस जो है बढ़ाते थे. इससे क्या होता था कि ये अपनी किंगडम को एक्सपैंड करते थे और एक जो है दूसरे की जो किंगडम को भी जो है ये और अच्छे से जानते थे. तो इन्होंने जो है सोसाइटल रिलेशंस भी जो है इंक्रीज करे थे बाय सेंडिंग मैरिज प्रपोजल. एंड यही सेम चीज हमारे यहाँ इंडिया में भी, जब हम अभी हमें इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली थी तो हमारे यहाँ पर भी जो स्ट्रॉन्ग लोग होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो क्या होता था कि दूसरी जगह के जो राजा महाराजा होते थे उनके साथ हाथ मिलाते थे. और वो हाथ मिलाने का मकसद क्या होता था, उनको उनके यहाँ मैरिज प्रपोजल भेजने का सिर्फ एक रीजन होता था, ताकि वो अपनी टेरिटरी को जो है एक्सपैंड कर सके. शादी में क्या होता था कि दहेज में जो है वो टेरिटरीज उनको, वो एरियाज जो है एज ए डोरी जो है मिलते थे. तो वही यही सेम केस यूरोप में भी हुआ. जो ये एरिस्टोक्रेट्स थे अपनी किंगडम्स को एक्सपैंड करने के लिए जो है ये दूसरी कंट्री के किंगडम्स के साथ जो है एक सोसाइटल, एक सामाजिक रिलेशन बढ़ाते थे, मैरिज करते. अब जैसे ही मिडिल क्लास के लोग भी धीरे धीरे करके ट्रेड के थ्रू जो है ये इमर्ज होने लगे, फ्लरिश होने लगे, तो इन्होंने इक्वालिटी के लिए जो है आवाज उठानी शुरू कर दी. इन्होंने जो है फ्रीडम जो है मांगनी शुरू कर दी. क्या हो गया, इन दोनों के बीच, एरिस्टोक्रेट्स और न्यू मिडिल क्लास, दोनों के ही बीच में क्या होने शुरू हो गए, कंफ्लिक्ट, झगड़े शुरू होने लग गए. किस चीज को लेके, आइडियोलॉजीज को लेके, आइडियाज को लेके. ये चाहते थे कि हम पॉलिटिकली भी फ्री हों, और जो एरिस्टोक्रेट्स कहते थे कि भी हम राजा महाराजा, हम ऐसे कैसे पॉलिटिकल फ्रीडम इन लोगों को, मिडिल क्लास को दे दें. देन पॉलिटिकल, देन सामाजिक तौर पर ये बोलते थे कि हम रिच हैं तो तुम हमारे बराबर के हो ही नहीं,
तुम्हारे पास हमारे जितना ना पैसा है, ना स्टेटस है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो सोशली भी जो है हम लोग ही तुम्हारे से कंपैरेटिवली जो है बहुत हाई है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके आपस में बीच में होने लग गए थे। फिर इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण जो है जो न्यू मिडिल क्लास थी उन्होंने जो है एक आइडिया जनरेट करा कि हमें एक लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। लिबरल मतलब हमें एक फ्रीडम, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से बने वो सबके लिए सेम हो, पॉलिटिकली इस तरीके से होना चाहिए कि गवर्नमेंट इलेक्ट होनी चाहिए और तो जाके जो है वो आगे जो है देश को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं कि कोई राजा महाराजा वो ही बनेगा आगे या फिर वो ही अपने बेटे को जो है गद्दी पे बिठाएगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आइडियाज इनके मैच नहीं कर रहे थे, ये पॉलिटिकली ये लोग मैच नहीं कर रहे थे, सोशली ये लोग मैच नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि माइंड, लोगों के माइंड में जो है एक लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया जो है जनरेट हुआ। नेक्स्ट होता है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए स्टैंड, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। लिबर, लिबर का मीनिंग होता है फ्री, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी कि हर किसी को जो है, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम का राइट है, हर किसी को जो है इक्वालिटी का राइट है, दैट इज नोन एज योर लिबरल नेशनलिज्म। अब दो तरीके से थी, दो तरीके से हम अपने आप को जो है लिबरल नेशनलिज्म जो है कर सकते थे। एक थी पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे, दूसरी थी इकोनॉमिक। अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि क्या हुआ जब नेपोलियन आए तो कुछ लोगों को पहले तो स्टार्टिंग में जो भी वो मॉडर्नाइजेशंस लेके आए, मॉडर्न चीजें लेके आए, वो सारी की सारी चीजें जो है लोगों को पसंद आई, लेकिन लेटर ऑन जो है कुछ लोगों ने जो है क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे। और वो क्वेश्चंस क्यों करने शुरू कर दिए थे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो नेपोलियन थे वो जो है पॉलिटिकली भी चीजें उनके अंदर आनी शुरू हो गई थी, तो जो एरिस्टोक्रेट लोग थे उनको जो है ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर भी जो है अब मिडिल क्लास लोग जो है वो पॉलिटिकली अपने आप को लिबरलाइज चाह रहे थे, बट जो एरिस्टोक्रेट है वो कहते हैं हम ऐसे कैसे पॉलिटिकल फ्रीडम जो है तुम्हारे हाथ में दे दे, वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो पावर हमारे पास ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए पॉलिटिकली अगर लिबरलाइज करना है तो एक कंसेप्ट लाया गया, दैट इज कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट होता है सहमति से, लोगों की सहमति से, यानी कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट करी हो, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। जैसे हमारे इंडिया में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, हमने मोदी जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वोटिंग दे के, हम लोगों के द्वारा जो है उसको इलेक्ट करा गया है। इन द सेम वे ये लोग भी जो है पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन चाह रहे थे। किस तरीके से कि जितने भी उस कंट्री के लोग है वहां पर जो है एक गवर्नमेंट रूल जो है फॉलो होना चाहिए, सब लोग जो है मिलके जो है अपना रूलर, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसाइड करें। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब इकोनॉमिकली हम लिबरल कैसे हो सकते हैं, क्या कोई बच्चा बता सकता है? अभी मैंने इकोनॉमिक के भी हिंट बताए हैं और एक हिंट लिखा हुआ भी है, हाउ वी कैन मेक अवरसेल्फ इकोनॉमिक लिबरलाइज्ड। इकोनॉमिकली वो अपने आप को कैसे लिबरलाइज कर सकते थे, क्या इश्यूज आ रहे थे, ये आप अपनी कंट्री से भी रिलेट कर सकते हो। जस्ट ट्राई एटलीस्ट। यस बच्चे हर्षिका, द फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब हाउ फ्रीडम ऑफ मार्केट, ये किस तरीके के चाहते थे, लाइक हाउ वी कैन कंसीडर फ्रीडम ऑफ मार्केट एज एन इकोनॉमिक लिबरलिज्म। Mam, so the people, poor people cannot buy products from the same price. Joydeep. Mam, there should not be any there should not be any high taxes based on religion and on
various types of there during that rule there were various types of unwanted taxes, such as in India there were various type of taxes that were imposed because of some religious causes. Some are taxes that are placed on Muslims, some are placed on the Hindus, that are caused. One point is imposition of huge amount of taxes, number one. Number two is there are various problems that is called the economic liberalism, which means that the in the market there the cost of goods should be the same for all standards of people. In that time, for the aristocrats, the cost of the goods were lower than the cost of the goods for the poor people. Okay. Anyone else can try? Okay, I'll tell you. Now, economic liberalize कैसे हुआ? जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस में जो है धीरे धीरे जो है नेशनलिज्म की जो है फीलिंग बढ़ती थी वहां पर ऑलरेडी बढ़ चुकी थी और उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली जो है यूरोप पर पड़ा. तो जो एरिस्टोक्रेट होते थे वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली जो है बहुत पावरफुल होते थे, तभी उनका जो है राज जो है चलता था, तभी वहां पर मोनार्की सिस्टम था, क्योंकि इन लोगों के पास जो है पैसा बहुत था. सिंपल सी बात है, जो भी टाइम आया है उसमें क्या होता है कि पैसा बोलता ही बोलता है, चाहे वो हमारे देश की ही बात कर ली जाए. बिफोर इंडिपेंडेंस राजा महाराजा वही बनते थे जो पावरफुल होते थे, जिनके पास पैसा जो है बहुत ज्यादा होता था. तो वही चीज सेम यहीं पर हुई कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो इकोनॉमिकली पावर थे, और लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ हुई कि धीरे धीरे करके मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी इमर्ज होना शुरू हुए. वो अपने ट्रेड के थ्रू जो है अपने उनको जो है फ्लरिश करने लगे, उनके पास भी पैसा आने लगा. अब वो चाह रहे थे कि हमें जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी जो है मिलनी चाहिए. अब उस टाइम पे क्या होता था कि राजा महाराजा क्या करते थे, ट्रेड पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे. अब ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से हो सकती है, टैक्स को इम्पोज करते थे कि जो भी टैक्स है वो जो है हटाया जाए और हमें जो है इकोनॉमिकली जो है फ्रीडम मिली जाए, यानी कि हम फ्रीली. फ्रीडम ऑफ मार्केट मींस डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए. डिमांड एंड सप्लाई मींस लोग हमारे से जितना डिमांड कर रहे हैं हम उतना उनको इजीली सप्लाई करें. डिमांड एंड सप्लाई का पैरेलल प्रोपोर्शन होना चाहिए, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए. क्या होता था उस टाइम पे, अगर एक ट्रेडर को इन चार अलग अलग किंगडम्स में अपना सामान भेजना है इस पर्सन को, तो उसको जो है इन चारों जगहों पर जो है टैक्स देना पड़ता था, यानी कि उनको इन चार जगहों पर टैक्स देके गुजरना पड़ता था. चार टैक्स देने पड़ते थे, तो वो इन लोगों को जो है बेनिफिट जो है जो ट्रेडर्स थे उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता था, उनको प्रॉफिट नहीं कुछ भी हो पाता था. तो इसलिए जो है ये इकोनॉमिकली अपने आप को जो है लिबरलाइज करना चाहते थे कि हमारी जो नेशन है इकोनॉमिकली लिबरलाइज हो. ये जो राजा जो एरिस्टोक्रेट्स हैं जो ये टैक्स लगाते हैं अलग अलग किंगडम में, तो वो हटाए जाएं. ऑब्वियसली अगर आपको अपने एज ए ट्रेडर एक्सपैंड करना है तो आप ये तो है नहीं कि अपनी ही टेरिटरी में ही आप ट्रेड करोगे और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, या अपने आप को और एक्सपैंड करने के लिए आप दूसरी टेरिटरी पे जाओगे, तीसरी पे जाओगे. तो इन जब ये अलग टेरिटरीज पे जाते थे पहुंचते थे तो क्या होता था, इनको टैक्स के कारण जो है बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता था. तो वो ये चाहते थे कि ये जितनी भी स्टेट पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी हैं वो हटाई जाए. क्लियर व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. अब इसमें आता है इसकी जरूरत क्या थी, सो दैट कि ये फ्रीली जो है मार्केट में जो है इजीली जो है डिमांड सप्लाई करें, अपने आप को जो है फ्लरिश करें, दूसरी टेरिटरीज में अपने सामान को जो है इजीली जो है बेच सके. स्टेप्स क्या लिए गए कि टैक्स जो है जो भी स्टेट पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको हटाया जाए, उनको जो है रिमूव करा जाए, टैक्स जो है वो कम करा जाए. नेक्स्ट आता है जोलेवरिन. कौन होते थे ये जोलेवरिन, हु इज ही जोलेवरिन?
जिलेवरिन एक पर्सन थे जो कि कस्टम यूनियन को लेके आए थे। और ये प्रशियन एम्पायर के जो है रूलर थे। अब अगेन ये जो है चेंजेस लेके आना चाहते थे, इकोनॉमी को जो है लिबरलाइज करना चाहते थे। तो जब ये आए, नई नई जो आइडियोलॉजी है उनको जो है ये लेके आए, इन्होंने क्या करा। अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में इनको एक और बैरियर क्या होता था, एक होता था करंसी। अब हर कंट्री में जो है अलग अलग करंसी होती थी, या इसकी करंसी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो करंसी के कारण भी जो है जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने जो है जो करंसी 30 की थी उनको जो है रिड्यूस करके 2 कर दिया जुलेवरी ने। नेक्स्ट इन्होंने जो है जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिड्यूस करा। यानी कि इनका मोटिव जो जुलेवरिन का था कि इकोनॉमिकली जो है हम कंट्री जो है लिबरलाइज हो जाए, ट्रेडर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इन्होंने जो है उनका जो है सपोर्ट किया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।